हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर को यूज करके एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन बिल्ड किया था एंड उस वीडियो के पार्ट टू में हम लोगों ने जीपीएस मॉड्यूल को इंस्टॉल किया था और उसके मोड और फंक्शंस को देखा था। इस वीडियो के पार्ट थर्ड में हम लोगों ने इसी ड्रोन में टेलीमेट्री इंस्टॉल किया था और इस ड्रोन से हम लोगों ने मिशन प्लानिंग भी किया था। और इस वीडियो के पार्ट फोर में हमने इस ड्रोन में FPV वीडियो सिस्टम को इंस्टॉल किया था और उसे देखा था। और आज का ये वीडियो होने वाला है पार्ट फाइव और ये इस ड्रोन सीरीज का लास्ट वीडियो है जिसमें हम इस ड्रोन में 2x वीडियो स्टेबलाइजर लगाने वाले हैं और इसी के साथ उस गिम्बल में हम 4K एक्शन कैमरा भी लगाने वाले हैं जिससे हम इस ड्रोन से 4K में बहुत ही स्टेबल और सिनेमैटिक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आइए हम इस ड्रोन में गिम्बल लगाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमारा ड्रोन कंप्लीट था लेकिन ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन का फ्रेम होममेड है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे होममेड लैंडिंग गियर लगाया है क्योंकि इसके नीचे हम गिम्बल को इंस्टॉल करने वाले हैं। और ये है 2x ब्रशलेस ड्रोन कैमरा गिम्बल। ये कैमरा गिम्बल चीप एंड बेस्ट है और इस गिम्बल को आप फ्लाई रोबो के वेबसाइट से बाय कर सकते हो। फ्लाई रोबो के वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यह है इस गिम्बल का 2x पिच और रोल को कंट्रोल करने के लिए इनपुट पिंस। और यह है इस गिम्बल का पावर पॉट जिसमें हम 12 वोल्ट पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। यह है सनबोर्ड का एक छोटा सा स्क्वायर पीस, इसे हम गिम्बल के ऊपर लगाएंगे इस गिम्बल को ड्रोन में फिक्स करने के लिए। इसे मैं गिम्बल में लगाने के लिए जिप टाई का यूज कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने इस ड्रोन मेकिंग सीरीज का पार्ट 1, 2, 3 और 4 को नहीं देखा है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उन वीडियोज को देख सकते हो और अपना खुद का फुल्ली फंक्शनल ड्रोन बना सकते हो। दोस्तों, हर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं ताकि आप इन वीडियोस को देख करके कुछ सीख पाओ और कुछ बना पाओ, लेकिन हर वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है इसलिए आप हर वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पे ड्रोन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अब हमें अपने गिम्बल में कैमरा को इंस्टॉल करना है और मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ नॉइस प्ले का 4K एडिशन एक्शन कैमरा। आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैमरास को यूज़ कर सकते हो। अब हमें इस गिम्बल को अपने ड्रोन में फिक्स करना है। गिम्बल को फिक्स करने के बाद हमें इस गिम्बल के पिच एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए इस गिम्बल का कनेक्शन फ्लाइट कंट्रोलर के साथ करना होगा। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं 3-पिन फीमेल टू फीमेल डुपॉन्ट केबल। इसे हम गिम्बल के पिच एक्सेस के इनपुट पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि ऊपर का पिन हमारा सिग्नल है और दूसरे एंड को हम पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर के चैनल नंबर 6 के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे ध्यान देना है कि नीचे का पिन सिग्नल है तो सिग्नल हमारा सिग्नल के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। अब हमें गिम्बल के पावर पॉट में ड्रोन के पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 12 वोल्ट पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। एंड फाइनली हमारे ड्रोन में गिम्बल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है एंड अब टाइम है इसे टेस्ट करने का।
दोस्तों ये वीडियो हमारे इस ड्रोन सीरीज का लास्ट वीडियो था, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1, 2, 3 और 4 को नहीं देखा है तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप सभी वीडियोस को देख सकते हो और अपना खुद का ड्रोन बना सकते हो। एंड अगर इन वीडियोस को देखने के बाद भी आप लोगों को ड्रोन बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो कॉल मी 4 ऐप से बात कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप कि मैंने जो आप लोगों के लिए ड्रोन मेकिंग का वीडियो सीरीज बनाया है उन वीडियोस को देख करके आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। दोस्तों अगर आप आगे भी ऐसे ही ड्रोन मेकिंग का वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जरूर बताना कि ये ड्रोन कैसा लगा आप लोगों को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।